साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। बोलिए सती माता की जय। भवानी जगदम्बा आई हैं, सती नामकरण जद हो तो सती नाम राख्यो है। पल रही हैं, बढ़ रही हैं, पुत्री के रूप में बड़ी हुई, बहुत विदुषी थी और सज्जनों लोग बड़ो आदर करता क्योंकि वो योग्य थी, उसके गुणों का सम्मान था। आ सती है तो जगदम्बा, लेकिन उसने पाखंड नहीं फैलाया, कभी पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया। अपने गुणों से, अपनी योग्यता से आदरणीय बनी वो, पूज्या बनी वो। आ चाहती तो जगदम्बा भवानी है, घर घर कुमकुमरा पगला कर सकती, लेकिन उसने कहा नहीं, अपने गुणों का ऐसा विकास करो कि तुम्हें तुम्हारे चरण घर तक ले जाने न पड़े, लोगों के कदम चलकर तुम्हारे पास में आए और तुम्हारे चरणों में उनका शीश झुक जाए। यह है योग्यता। हर नारी अपने आप में शक्ति है, हर नारी अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, बस उसको अपनी योग्यता जगाने की आवश्यकता है। सती ने जगाई तो खूब सम्मान मिलियो, ब्यावर योग्य हो गई तो मां देव जी की आराधना करी, वन में गा जान शंकर भगवान की आराधना करी, शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और फिर जब शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं आपका वरण करूंगा, तो सज्जनों सती आई घरे, दुल्हन के रूप में सजाई गई सती ने, पूरो नगर सजियो है, दक्ष भी बहुत प्रसन्न है, हमारी बेटी रो ब्याह हो रही है और महादेव जी खुद बींद बनन आया है दूल्हे राजा रे रूप में, और महादेव जी रे साथे सती रो ब्याह हो है। शंकर भगवान और सती, बड़ी अनोखी छवि, बढ़िया अनोखी अजब गजब जोड़ी बनी है। देवता भी खुश है, ऋषि मुनि भी प्रसन्न है, परिवार भी बहुत आनंदित है। एर माँ देव जी सती ने अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करी है। शक्ति है, शिव ही स्वीकार करेंगे, तो शिव ने शक्ति को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है और लेन कैलाश पर्वत माते आया। सब देवता खुश और सब आपापरे घरे गया, ऋषि मुनि भी आपापरे घरे पर आ गया और बड़ो आनंद हुयो, शिवजी रो ब्याह हो गयो। थे के वो महाराज, शिवजी रो ब्याह भेगो गुणो निवेड़ियो, मैं तो आया ही ब्याह रे खातिर, पर ब्याह तो थे दो लाइन में निवेड़ दियो। तो सुनो, असली ब्याह तो बाकी है, अजय शिवजी रे ब्याह होया दो, सती रे साथे तो हो, परंतु फिर एक और विवाह हुआ था पार्वती के साथ में, ये सती रो ब्याह तो हो साथ शिवजी रे, सती री जोड़ी तो बनी है, पना जोड़ी चाली को नहीं, क्योंकि सती प्राणारो बीचे त्याग कर दियो। तो फिर दूसरे बार जगदम्बा पार्वती बन के आई और उसके बाद फिर शंकर जी से विवाह हुआ, वो विवाह परमानेंट विवाह है। और वो उन रूपरी जब अपन लोग पूजा करा, जगह फोटो मेरे तो देखो नहीं, शिव पार्वती री फोटो में, शिव पार्वती री क्यों चले, इन वास्ते चले क्योंकि ब्याह पार्वती जी रे साथे हुयो थो बराबर। तो अब मेन ब्याह तो जो बाकी है उस विवाह की ओर ही अपन चल रहे हैं। सती रहते ब्याह हुयो, परंतु यो यो सज्जनों, एक घटना एड़ी घट गई जिनी वजह से सती ने आपरे प्राणारो त्याग करनो पड़ियो। कई घटना घटी, नारद जी ब्रह्मा जी ने पूछ रहे, सौनक ऋषि सूत जी ने पूछ रहे, आपरे मन में भी बहुत सारा प्रश्न है। तो वो प्रश्न भी है कि कई हो अड़ो जो को सती अड़ो धूमधाम ब्याह हो शिवजी के साथ, पछे वा सती प्राणारो किकर त्याग कर दियो, कई घटना घटी। वो प्रसंग राम कथा में भी आवे, वो प्रसंग शिव कथा में भी आवे और बहुत सुंदर प्रसंग है, तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर तरीके से लिखियो है। एक बार री बात है सज्जनों, जब महादेव जी और सती रो ब्याह हो गयो, कैलाश पर्वत माते बैठा है शंकर दादा, लेकिन एक दिन की बात,
एक दिन शंकर भगवान रे मन में आयो कि देवी कई दिन हो गया भगवान दी कथा कोनी सुनी, मारे तो कथा सुननी किनी। बोले राम जी कथा, राम जी कथा बिना मारो जीवन नहीं चाले, मैं कथा सुनू। तो शंकर जी कथा सुनने वास्ते आया तो साथे साथे सती भी आ गई। त्रेता युगरी घटना यहाँ अबार चल रही हो कलयुग, और कथा है त्रेता युगरी, त्रेता युग की ये घटना है। हुआ 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 क्या हुआ ये, एक बार त्रेता युग माही गमदनी सा सानिध एक बार त्रेता युग माही शंभु गए भज ऋषि सतीरे साथे आया है कुंभज ऋषि रे बैठे त्रेता युगरी घटना, कुंभज ऋषि रे बैठे राम कथा सुनने वास्ते आया है। शिवजी ने राम कथा रो कोड गणो,
तो कुंभज ऋषि रे वठे आया है। कुंभज ऋषि रो मतलब कही है कुंभ माने घड़ो, अज माने जन्म नो, जिनो जन्म घड़े हुयो है बिने केवे कुंभज। कितना छोटा ऋषि होगा जिसका जन्म घड़े से हुआ। और ये शंकर जी देवों के देव महादेव कितने बड़े होंगे, लेकिन इतने बड़े देव एक छोटे से ऋषि से कथा सुनने गए हैं। क्यों? तुलसीदास जी बताना ये चाहते हैं कि भैया किसी कथा वाचक के बड़े और छोटेपन को मत देखो, उसके तमगे मत देखो, उसका कुल, उसका खानदान, उसके नाम के आगे क्या क्या लगा है, डिग्री विग्री मत देखो, उसकी कथा देखो। वो परमात्मा की कथा भाव से सुना रहा है, तो छोटा भी है तो चरणों में बैठ के कथा सुन लो। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है और इधर उधर की दुनिया की पंचायती कर रहा है, तो वहां से उठ के रवाना हो जाओ। इसलिए महादेव स्वयं कुंभज के वहां कथा सुनने आए, क्योंकि वो कथा सुनाने वाले हैं, भगवान की बात बताने वाले। वैसे इनका नाम अगस्त मुनि है, और अगस्त मुनि कोई छोटे मोटे मुनि नहीं थे, बड़े थे, पर जानबूझ के अगस्त नाम में लिख के कुंभज लिखा है। कुछ और तरीके से बताना था ना, इसलिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, पर संग सती जग जननी भवानी, एकला नहीं किया हो हाथे। सती ने लेन गया, अपनी धर्मपत्नी ने हाथे लेन गया कथा में। सुनो, कथा में जावणो जने एकलो एकलो नहीं जावणो, पति पत्नी दोनों ने हाथ जावणो, बिनो कहीं फायदो। एक तो पुन मिले, एक भला दो, और दूजी बात घर में लड़ाई बीजी जीती भी वैनी बाहें खत्म हो जावे। दोनों होने जन लड़ी खत्म हुए, एक एक होने जन लड़ी खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक एक में अलग अलग विचार हो जावे। मान लो पतिदेव सत्संग में आया और पत्नी नहीं आई है, तो लड़ाई हो जाए। सामरा घरे जाओ तो लोग के हित गया, कितनी कहीं कमाई हुई आज दुकान में, आदमी के दुकान तो गियो गट खत्म गियो। कथा कहनी कर, अरे महाराज आयोड़ा कथा तो खत्म किया तो पूरे दिन का, अरे पर खत्म गियो तो आधे घंटे वास्ते मैं देगी, आधे घंटे होने आओ, पर होना कहीं बैठे तो बैठा हो मन अड़ो लगो, उठने उठा ही नहीं पड़ी, टाइम पूरी हो गई, खत्म ये दिन गियो। अड़ी वे भाई कथा रस है पर ठा नहीं पड़े टाइम। तो लोग कहे महाराज रो तो काम ही कथा करनो है, एन थे ही पचाइय महाराज लारे लागा, दुकान बिजी हैंग छोड़ दी, जने छोरियां हो रही है मोटी वाने पनावनी है, धंधो कुण करी हैंग दिन महाराज लारी फिरो धंधे मत जाएगा। मान लो पत्नी कथा में आवे रे, पति नहीं आवे रे, पत्नी हमरा सामरा पाची घरे जावे तो पति नंबर ले ले लो गिरो हैंग दिन महाराज लारे फिरे, महाराज रो काम कथा करनो, तू घर रो ध्यान राख, छोरा रो ध्यान राख, छोरा रो ध्यान राख, समझी? तो ही घर में लड़ाई, अशांति जैसा वातावरण रहता, थोड़ा डिस्प्यूट सा रहता है। लेकिन पति पत्नी दोनों मिलके कथा सुनेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे होंगे, एक ही विचार है, तब तो कोई लड़ाई नहीं। या हैंग लड़ाई विचार और ही जय हो अपने मारवाड़ी में, कहे एक घर में दो मता, एक भगत ने एक भोपी। धनी लुगैया पण दोनों का विचार अलग है, एक वो आदमी तो भगतन वा लुगई भोपी भोपण, देखो आदमी बुलाया महाराज ने आयो बाप जी सत्संग करो, कथा बीजी करो, कोई भजन बीजा होना हो, जागरण बीजो करो, महाराज आया लिया आपने मंडली बीजी ले पेटी डो लगा हाथे, महाराज गाना चलू करिया भजन बीजा, ये तो एक में वा लुगई भोपी वाह कहीं गिरठाए वाह पब्बू जी वाली पड़ बुलाई ली भोपणी पड़ाड़ो स्टाफ आयो बे आप अलग ही गजा बजा लेने आया, बोलिए एक मोटो कहीं कहे बिने रावण अत्तो कहे कहीं कहे ले पर और गज चलू कर दी आप वो अलग महाराज आड़ो अलग, एक रेडिया में एक हाथ एक स्टेशन लाग दो तो की कर लग वो बजे जन महाराज भजन भूल जाओ आवे की कर भाई भजन जन के एक घर में दो मता एक भगत ने एक भोपी वो तो करावे सतरी संगत बा पड़ पाबू जाली रोपी पचीचवे तो मतो रागनो एक एक मतो राखण वास्ते दोना नावनो सत्संग संग सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि ने देखा शंकर जी आए हैं तो प्रणाम किया, हो दिन घड़ी दिन बाग आज प्रभु पधार गए, मेरे आनंद हो गया मेरा तो। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय दशमांगरागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः gamadani sa tanidha mapalaga महादेव जी आया है तो महादेव जी स्तुति करी, प्रभु आप पधार गए, बड़ी कृपा करी आपने। एकदम चरणों में दंडवत किया, ऊंचे आसन पर शंकर जी को बैठाया, सती को भी बैठाया और बोले आप कैसे पधारे। शंकर जी बोले मेरी कथा सुनने की इच्छा हो गई थी ऋषिवर, इसलिए मेरे को बड़ी भूख प्यास लगी थी कथा की, तो मैं आपके पास में आ गया, कृपा करो कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुननी है। कुंभज ऋषि विचार करियो, मैं कहीं हुणू कथा, ऐसा मोटा महादेव यान मैं कहीं हुणू, मैं तो छोटो सो जीव, मारो सामर्थ्य भी कहीं। एकदम ऋषि कांप रहे थे थोड़ा और बोले भगवान मैं सुनाऊं आपने कथा, मैं हाँ हाँ आपसे सुनना है आपको। भगवान कथा तो आपके आपने तो रचना की है, मैं आपको क्या सुनाऊं। शंकर जी बोले रचना भले ही हमने की है पर चर्चा आपके मुख से सुननी है। हाँ रचना हमारी है, रचना आपकी, चलाइए उसको, कुछ निकली वाणी निकालिए, हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आपके मुख से सुनने में अच्छा लगता है। कुंभज ऋषि दंडवत कर रहा था उन समय, शंकर जी विचार करियो, देखो ऋषि कितना सरल है, कितना सरल है, ए विद्वान है, खुद कथा सुनाई मार, परंतु विद्वान होते हुए भी सरल इतना है कि घमंड नहीं है, बिल्कुल नीचे बैठा और मौने ऊंचा बैठाया, वक्ता ऊंचो बैठे, श्रोता नीचे बैठे, पनाटे श्रोता ऊंचा बैठा, वक्ता तो नीचे। शिव जी बहुत बढ़िया अर्थ लगायो पर सती गलत अर्थ लगायो, सती विचार करियो ले मोने देख ना दूजे लई उना तो हाथ पग सीताराम सीताराम करे, जको मन का ही कथा होना है वो तो दूजे कांपे, इन कहने शिव जी कथा होने आया, इन बजे मन कहता तो मैं बटी होना देती, मैं तो खुद पढ़े लिखी बापरी बेटी हूं, क्योंकि दक्ष की बेटी हूं, दक्ष का मतलब क्या होता है, प्रवीण बुद्धिमान चतुर दक्ष, और दक्ष की बेटी मैं हूं तो मेरा बाप बुद्धिमान है तो बेटी भी तो बुद्धिमती है, वो विद्वान है तो मैं विदुषी हूं, मैं ही उड़ा देती शास्त्र विजय कई व्याख्या जानू मैं तो। इन ऋषि कन कहीं आया वो तो दूजे, संत की सरलता का गलत अर्थ लगाया सती ने पर शंकर जी ने उसका अर्थ सही लगाया। कुंभज ऋषि बैठे और भगवान के नाम से कथा सुनाना शुरू किया, बोले दुनिया को तो बहुत सुनाया है लेकिन इस बार भगवान सुन रहे हैं तो मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि भगवान को कथा सुनाऊंगा तो मेरी वाणी और जिभ्या दोनों पवित्र हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए बैठ करके कथा सुना रहे हैं। सुनाई भी राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनाई तो सुनी किसने, बोले महेश, सतीरु नाम नहीं लियो खाली महेश, केवल शिवजी ने सुनी, क्योंकि सज्जनों जिसके मन में पूर्वाग्रह बैठा होगा उसको फिर आनंद नहीं आएगा किसी भी चीज के प्रति, पहले से ही कोई भ्रम बैठ जावे नहीं बचे, बस आनंद नहीं आता फिर, वो चाहे घर हो, वो चाहे रिलेशन हो, वो चाहे काम हो, वो चाहे कथा हो, वो चाहे पढ़ाई कोई भी चीज हो, किसी के प्रति अगर पूर्वाग्रह आप पहले से बैठ लेके बैठ गए हो, अरे भाई पता कर लो, जांच लो, परख लो, उस आदमी की स्थिति देख लो, उसके बाद निर्णय लो। हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, फलानो तो यूं है फलानो तो, अरे था ना कहीं मतलब, सती रे मन में बैठ पहले ही बैठ गए, अरे ऋषि तो ऐडो है, इनको कहीं कथा होनी, एक ही बात मई बत्ती जानो इन बिजत, पहले ही मन में ऐडो आई गयो तो हमें वक्त और आनंद चलो, क्योंकि मन ही नहीं लाग रही कथा में। केवल शिवजी ने दिल से कथा सुनी, सती ने तो ध्यान ही नहीं दिया। कथा पूरी हुई, बहुत बढ़िया लगी कथा। उन टाइम महादेव जी
कहो कुंभज ऋषि ने, बहुत बढ़िया कथा सुनाई आप कई दिनों में आपने। कुंभज ऋषि कहो मैंने तो कहीं नहीं चाहिए, तो ही बहुत कहा तो भक्ति की बात कह दी, बोले भक्ति अच्छी लगती है मेरे को, तो शंकर जी ने भक्ति का वरदान दे दिया। और भक्ति रो वरदान दे और महादेव जी विदा होया है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले है भवन संग दक्ष कुबारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, दक्ष कुबारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग पुरारी, चले भवन संग दक्ष पुरारी। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महादेव जी विदा मांगी है गया है, लेकिन हम के जब पाछा गया है तो तुलसीदास जी लिखियो है संग, पहला आया जब लिखियो संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माँ अम्बा पोराम्बा भवानी साथे है। लेकिन जाऊती टेम दक्ष कुमारी, जगत जननी भवानी, ये सारे के सारे जितने भी सम्मान, जितने भी सम्मान के शब्द थे वो वापस ले लिए और एक दक्ष की पेटी बना के भेज दिया सामान्य। क्यों? तुलसीदास जी ने कोई पूछ यो क्यों करियो थे, पहला दियो सम्मान पछे दियो को नहीं। कारण तुलसीदास जी कहो कारण हो कि पहला मैं थोड़ा धोखे में रह गया, मैं देखियो जगत जननी है आई कथा सुनी, कथा ने मान दई सम्मान दई, ऋषि ने सम्मान दई, पर केवल शिवजी कथा सुनी, शिवजी मान दियो तो मान दियो को नहीं, कथा सुनी को नहीं। तो भाई सीधो नियम है मारे कि जो भगवान की कथा को सम्मान देता है उसको मैं सम्मान देता हूँ, जो भगवान की कथा को सम्मान नहीं देता उसको मैं भी सम्मान नहीं देता। सम्मान वापस ले लिया, मारे कई फर्क पड़े। दक्षिणी बेटी बनान भेज दी। रस्ते में गया तो राम जी का दर्शन शंकर जी ने हो गया, क्योंकि त्रेता युग था, राम जी को वनवास हो गया था। राम जी लक्ष्मण जी जानकी वन में हा, रावण द्वारा सीता जी रो हरण हो चुकियो। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहा वन में, सीता जी ने ढूंढ रहा है, राम जी रो रहा है, और वही दृश्य उन वन में चल रही हो। और उन्हीं समय उन्हीं जंगल से शंकर जी भी सती रे साथ निकलिया। शंकर जी ने तो ठाई नहीं, लेकिन उन्हीं समय राम जी ने देखा आगू, बहुत दूर थे राम जी, आगू देखिया और शंकर जी ने तुरंत राम जी को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जगपाल, प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। गए नहीं मिलने, बोले भगवान डिस्टर्ब होंगे कोई मतलब नहीं, प्रणाम करके वहीं से निकल। परंतु सती शंकर जी ने पूछियो आगे निकलिया पछे, अजी आपने किसको प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा तूने प्रणाम नहीं किया। मैं प्रणाम करूं? अरे एक ने प्रणाम नहीं किया करूं मैं, थाने जो थोड़ी हूं, देखे जगह ने हाथ जोड़ लिया। मैं तो बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, ऐसे वैसे को प्रणाम नहीं करती हूं। मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं करती हूं, बुद्धि चाहे जिसको नहीं भगवान को भी प्रणाम नहीं करती। शंकर जी बोले वो चाहे जो नहीं है तो कौन है? वो भगवान है। कैसे भगवान? कौन से भगवान मेरे को बताइए। शंकर जी बोले पहले प्रणाम करिए फिर सुनिए कौन है क्या है, मैं सब बताऊंगा। सती बोली नहीं पहले बताओ तो हाथ जोड़ू, नहीं तो हाथ ही नहीं जोड़ू। शिव जी की ओर कहीं करा
अरे देवी तो पहला प्रणाम कर ले, मैं करिया हूं वो सर्टिफिकेट मोटो को नहीं, मैं करिया हूं मैं थारो पति हूं तो तू ही कर ले, पचे अगली बात कर ले वहां पर, लेकर कर तो ले सती क्यों देखो थे प्रणाम करो बालक बात थे तो भोला मैं हूं तेज, मैं थाने जो बोली नहीं एक बात है लुगई आप रे दणी ने हमेशा बोलो हम दे बारे ले जेंटलमैन बनियोड़ो फिर घरे लुगई कहते तो बोलाओ हाँ बोलाओ लुगई आप रे दणी ने क्यों थे बोला गणा बोला सन की था ही नहीं पड़े आदमी क्यों बेइज्जती मत कर मारी बोलो बोलो के मैं पढ़ी लिखी हूं आदमी हूं ग्रेजुएट हूं डिग्री ले रखी है अफसर हूं मारे नीचे 50 आदमी काम करे था है कौन कहीं करे कौन कहीं नहीं करे मारे हैं सब ध्यान में रहा करे सब काम होता है मेरी नजरों में सब रो मैं ध्यान रखूं इतना मोटो अफसर हूं इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मारे हाथ में और तू मैंने बोलो हम जे कौन कहीं करे कौन कहीं नहीं करे वो हैंग मन ध्यान रहे लोगों क्यों हैंग ध्यान रहे क्या हो? तो लोगों क्यों एक बात बता थोड़ा चोला रे जेब में रुपया कितनी बार चुरा है आदमी के ओ कांड को तू गयो आई तो बात है दुनिया रो ध्यान रखो तो घर में कण कण हो जाओ टन टन ठाई कौन पड़े बोला हो पत्नी पति को भोला समझती है सती शंकर जी को भोला समझती और कहती आप तो भोले हो आपको क्या मान मुझे बताइए वो कौन है तो शंकर जी ने कहा बताऊं वो कौन है जासु कथा तुम भज ऋषि गाई भक्ति जासु में मुनि जासु कथा तुम भज ऋषि गाई भक्ति जासु में मुनि सुनाई देव रघुबीरा देवत जाहि सदा मुनि दीरा देवी जिन्हें बार बार अपना कथा सुनना आया है वे राम जी है जो मारा इष्ट है ऋषि मुनि जनों ध्यान करे हैं मुनि धीर योगी सिद्ध संदत विमल मुनि मन ध्यान वही कई नीति निगम आगम पुराण जांस कीर्ति गावई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अब तरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि भक्तों के लिए इन्होंने अवतार लिया है मानव का मानवीय लीला कर रहे हैं है ये भगवान वेद आगम पुराण सदाणो गुणगान करे तो प्रणाम कर ले देवी प्रणाम कर ले सती कहो ते भगवान है तो रोवे क्यों ए तो रो रिया है अरे रोवे भी रोनो भी कारण देखो ते आनी पत्नी थी सीता उन्होंने कोई हरण करण लेन गयो करो तो वाइफ का किडनैप हो गया उसके ऊपर ये रो रहे एडा भगवान और भगवान है तो कामी पुरुष के लिए कामी पुरुष की तरह रोने की क्या आवश्यकता है क्योंकि भगवान तो व्यापक होता है उसको तो सब पता होता है कि कहां क्या कब क्या हो रहा है सब कुछ होता है उसको मालूम होता है क्योंकि वो तो सर्वत्र है सर्वदा है सर्वथा है व्यापक है तो क्या इनको ये मालूम नहीं है कि इनकी पत्नी का हरण कौन करके ले गया और वो उनकी पत्नी कहां है किस हालत में है फिर रोने की जरूरत क्या है ये तो सामान्य पुरुष की तरह रो रहे हैं इनको मालूम भी नहीं है कि मेरी पत्नी कहां गई और एक बात बताओ तुम कहते हो कि इनको प्रणाम करो और इनको मानो ये भगवान है जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते वो हमारा क्या ख्याल रखेंगे सारी दुनिया का वो क्या ध्यान रखेंगे ऐसे को क्या प्रणाम करना कोई मतलब नहीं अब ये तो तर्क सती तो तर्क दे रही है प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न खड़े कर दिए तो शंकर भगवान के उथार क्या जो कहते मैं एक बात कह दी सो बात रही एक बात कह भगवान है पर अमार मनुष्य बनन मानवों के वास्ते मानवीय लीला कर रही है मतलब है तो भगवान पर जानबूझकर के मानव बने हैं और मानव तो सीमित है
भगवान की बराबरी थोड़ी कर सके, इन वास्ते भगवान भी मनुष्य बनन काम कर रहा है, उन वास्ते उन हद में है आपरे। और तू इन बात में समझ नहीं रही सच्ची, क्यों मारे समझ में को नहीं आ? मारे समझ में तो एक बात वहां आई, बोले की कर, बोले मैं आने ले परीक्षा, परीक्षा ले ठा पड़ी गया भगवान है कि नहीं। शंकर जी बोले देवी भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिला करते। पर सती के मैं ले परीक्षा ले ले देवी, कोई बात नहीं थारे मन में है परीक्षा ले नहीं ले ले, जित मैं बैठो हूं कदम रे पेड़ रे नीचे वटवृक्ष रे नीचे, तू जा और लिया परीक्षा। सती गई, शंकर जी आप रे बैठा है भगवान रो भजन करे है। शंकर जी क्यों हम जाओ नहीं जीती, हम जा दी हम जी को नहीं तो हमें इन मर्जी आ जाने इनी माया, आप क्यों टेंशन लेवा? शिव जी घना टेंशन नहीं ले, इन वास्ते मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं। सती गए तो परी, पर सोचो परीक्षा ले की कर, किन प्रकार परीक्षा लू, कई दूर तो होचियो, पछे विचार करियो, ओ हाँ आइडिया आ गया, जिसके लिए ये रो रहे हैं उसी सीता का रूप बना के चली जाती हूं, और अगर ये नकली होंगे तो एकदम से मेरे को गले लगा लेंगे और कहेंगे अरे सीता तेरे लिए तो मैं रो रहा था तू कहां थी, और अगर ये राम जी भगवान हैं तो मेरे को पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं है, बस सीधा सा उपाय पता चल जाएगा। सती सीता रो रूप बनायो है और गई है, वेश बनाया बिल्कुल सीता जैसा, परंतु सज्जनों वेश तो आ गया पर परिवेश नहीं आया, किन्नी जड़ो दिखणो होरो है पर उना गुण लावना दोरा है। किसी की कॉपी करना बहुत आसान है, उसके जैसे बाल, उसके जैसे लटके झटके, उसके जैसे कपड़े पहनना आसान होता है, लेकिन उसके गुण कहां से लाओगे? वेश तो ले लिया सीता का, परिवेश नहीं आया, चाल नहीं आई सीता की, सीता की कर चाल है और असत्य की कर चाल है, उनमें फर्क है। सीता की चाल केड़ी ही, आगे राम जी लारे लक्ष्मण जी और बीचे सीता जी, ये था क्रम, राम जी के पीछे सीता जी और फिर उसके पीछे लक्ष्मण जी, ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। उभय बीच सिय सोहति के ब्रह्म जीव बीच माना, उभय बीच सिय सोहति के ब्रह्म जीव बीच लक्ष्मण जी रे बीचे सीता जी, राम जी से हमेशा लारे रहती सीता जी, असली सीता, सीता भक्ति है सीता शांति है, परंतु ये डुप्लीकेट भक्ति, ये डुप्लीकेट सीता बनके जो अभी अभी बन ठन के आई है, सती सीता बन के आई है, इन्हें ठाको नहीं कि चाल नो की करे, आके कर चाल था है। राम जी तो लारे ना धके धके आगे आगे चाल, राम जी तो ला रहे आवे जी आगे आगे चालन लागी, जने लक्ष्मण जी देखियो, लक्ष्मण जी देखते समझ गया, ओ हो सती और सीता बनन आई है, ओ कहीं मामलो है बड़े, आ लीला कठू आएगी। पर लक्ष्मण जी बोलिया कौन, ठा तो पड़ गयो पर बोलिया कौन, लक्ष्मण जी आप क्यों बोलना कोई, इन रोल वेला छोटो पीछे कोई, आपने कहीं ठा स्क्रिप्ट कड़ी है कहीं बड़न दो, हम तो किया पर बोलिया बोली। और सोचो लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भाई हैं, और लक्ष्मण जी को जब समझ पता चल गया, उनको देर नहीं लगी, तो क्या राम जी को पहचानने में देर लगी क्या कि ये कौन है क्या है? कोई देर नहीं लगी, राम जी भी आतो आप देखते ही पहचान गया कि सती सीता बनन आई है। पर राम जी विचार करियो करा कहीं,
करें क्या? इसको मैं सती कह नहीं सकता क्योंकि ये अभी सीता बनी हुई है, और सीता कह नहीं सकता क्योंकि ये असली सीता नहीं है, ये तो नकली सीता है। तो मैं दोनों नहीं कह सकता, ना सती कह सकता ना सीता कह सकता, अब मैं क्या करूं? तो भगवान राम जी कही उठा है, कही नहीं कहो, एक काम करियो, जोरी पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज राम, जोरी पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज राम। भगवान ने क्या किया? प्रणाम किया और ज्यादा से ज्यादा अपना नाम ले लिया पिता के समेत, मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता, प्रणाम किया। प्रणाम क्यों करियो भाई? प्रणाम करियो उन्हों कारण कि असली भक्ति होती तो राम जी को प्रणाम करती, लेकिन ये नकली भक्ति है तो इसको तो भगवान प्रणाम करके कहते हैं कि दूर ही रही जे भाई, नेड़ी मत आई जे, हम ही आता जोड़ी करी तने आता जोड़ी भाई। या तो भगवान इन वास्ते प्रणाम करियो कि सती परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा जको लेवे वो वे गुरु, परीक्षा जको देवे वो वे चेलो। परीक्षक और परीक्षार्थी दो बातें हैं ना, गुरु और शिष्य दो बातें हैं ना। तो जब गुरु जी परीक्षा लेने आवे तो परीक्षा देवन वाला रो फर्ज बने कि वो पहला गुरु जी ने प्रणाम करे और पचे परीक्षा दे। तो ठीक वैसे ही भगवान, भगवान को लगा कि सती परीक्षा लेने आई है और मुझे परीक्षा देनी है तो पहले प्रणाम कर लिया जाए, औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए, उसके बाद परीक्षा दे दी जाए। तो भगवान प्रणाम करियो इन लिहाज से, और भगवान ने वो बतावणो भी हो के मैं तने पहचान ली, वो पहचान बताने वास्ते और कोई प्रूफ नहीं, इन वास्ते भगवान प्रणाम करियो। क्योंकि पत्नी पति को प्रणाम करती है पर पति पत्नी को प्रणाम नहीं करता। पत्नी तो करे, पति थोड़ी करे लुगई ने प्रणाम। भगवान प्रणाम करना सिद्ध करनी चाहे कि तू मारी पत्नी नहीं है। अगर पत्नी होती तो तू प्रणाम करती, मैं थोड़ी करतो। लेकिन भगवान वो प्रणाम करने कह रहा है कि आप तो सती हैं, सती होने के कारण मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप भले ही सीता आई हो बनकर लेकिन अभी हैं तो सती। ये सिद्ध करना चाहते हैं भगवान। पर आप तो खुद ही उन्दी समझ गई, आ विचार करियो, ओ हो मैंने प्रणाम करे इन मतलब रोज सीता जी ने प्रणाम करता वेला जब मन देकर प्रणाम करे हो सीता आएगी भगवान की ओर एक एड़ी लुगई हम जाएगी नहीं। इशारे में नहीं समझी तो भगवान ने दूसरा काम किया। भगवान को लगा अब क्या करें, तो भगवान ने सोचा नाम तो ले नहीं सकता, सती कह नहीं सकता, सीता कह नहीं सकता, तो भगवान ने तीसरा ही संबोधन किया, ना सती कहा ना सीता कहा, भगवान बोले कहो बहोरी कहां वृष के तू विपिन अकेली रही नहीं, कहो बहोरी कहां वृष के तू हटकर अलग संबोधन, जो सोच भी नहीं पाया कोई क्या संबोधन किया होगा। सोचो भगवान ने न सती कहा न सीता कहा, पर भगवान बोले शंकर दादा कहां हैं आप अकेली कैसे, न सती न सीता। और जैसे ही शंकर जी नाम लिया तो सारी बात खुल गई, और अकेली कहा विपिन अकेली,
फिर ही कहीं है तू, इन जंगल में एकली क्यों फिरे, इन एकली रे लारे एक और अर्थ है, अर्थ ओ है कि मारी सीता थोड़ी देर वास्ते अकेली रही इन जंगल में, तो रावण हरण करण ले गयो, अरे तो ही अकेली फिरे है, कोई थारो हरण करण ले जावेला तो शिवजी रहते फिरे के नहीं, शिवजी कठे है, जो ही शिवजी नाम लियो और सती तो पानी पानी हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया कि इन्होंने मेरे को पहचान। अब शर्म के मारे भागी, तो जिधर जा रही थी सामने से भगवान ने ऐसी माया करी, लीला ऐसी रची कि सामियों भगवान राम जी लक्ष्मण जी आता दिख गया। सती दिशा बदली, दूसरे रास्ते जावन लागी, तो बटो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी तीनों आ रही है। सती चक्कर में पड़ गई, सीता तो खो गई, यहाँ साथ में कैसे। फिर रास्ता बदला तो वहां शंकर जी भी हैं साथ में, तो सती तो एकदम चकरा गई, विचार करियो मारे का ही नहीं देख रहा, आंखें बंद करन बैठ गई। थोड़ी देर तक यूं आंखें बंद करन बैठी रही, अंतर्मुखी हो गई, तो भगवान भी माया समेट ली। सती ने फिर आंखें खोली, जब आंखें खोली तो कछु न दिखी तां दक्ष कुमारी, कुछ नहीं दिखा। अब सती गई है शंकर जी के पास, पर मन में थोड़ा दुख है। किस बात का दुख? इस बात का है, मैं शंकर कर कान माना, निज अज्ञान राम पर जाना, कहना नहीं माना, अपने अज्ञानता के कारण राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया, मैं पछता रही है। आई शंकर जी कने, शंकर जी भी पूछियो कि कर परीक्षा ली, हाची हाची कही जे मने हो, बिल्कुल हाचो हाचो कही जे, झूठ मत बोल जे, ये तो कहो हाचो हाचो बोल जे, पण तो भी आ सती आप रे सुहाग रे सामी झूठ बोलवारो निर्णय ले लियो, झूठ बोली अपने ही पति से, और उसने कह दिया कछुन परीक्षा लीन गसाई कीन प्रणाम तुम्हारी, कछुन परीक्षा लीन गसाई परीक्षा छुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी, छुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी। गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।